हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे इस टेक्निकल मेहताब यूट्यूब चैनल में, और मैं हूं आपका दोस्त मेहताब आलम। दोस्तों, आज मेरे पास है ये बॉक्स जिसे मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। आपको बता दें कि इस बॉक्स में है एक प्रोफेशनल रिंग लाइट जिसका इस्तेमाल शूटिंग में होता है। खैर, इस बॉक्स को उठाने के लिए 2.5 किलो का हाथ होना ज़रूरी है। तो चलिए हम इसे उठा के देखते हैं कि इसका वज़न कितना है। ये बहुत ही ज़्यादा भारी है, इसलिए हम इसको वापस नीचे रख देते हैं। बहुत ही ज़्यादा भारी है। अरे मजाक कर रहा था, ये भारी वारी नहीं है, ये हल्का है। और दूसरी चीज़ है मेरे पास, ये ब्लैक स्क्रीन फॉर क्रोमा की, इसका भी इस्तेमाल शूटिंग में होता है। बैकड्रॉप के ऊपर इसको डाला जाता है और स्क्रीन क्लैंप से इसको टाइट किया जाता है। मैं इसे ज़रा अनबॉक्स कर देता हूँ। ये देखिए, इसी को बोलते हैं ब्लैक स्क्रीन। इसको बैकड्रॉप के ऊपर डाला जाता है और फिर शूटिंग होती है। हालांकि इसे टिकटॉक वाले भी यूज़ करते थे वैसे। इसका यूज़ फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए आराम से कर सकते हैं, एक अलग ही लुक देता है। खैर, हम इसे साइड में रख देते हैं। और तीसरी चीज़ है मेरे पास, ये ट्राइपॉड। तो चलिए इसे भी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ऑपरेशन कर रहा हूं। तो फाइनली इसको हम इस साइड में रख देते हैं। दोस्तों, इसका यूज इसके साथ होता है, इसको इससे अटैच किया जाता है। ठीक है, फिलहाल हम इस रैपर को हटा लेते हैं। तो फाइनली ये निकल के आ गया। चलिए, माशाल्लाह ये सही है, सही कंडीशन में है। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले खोलते हैं, फिर सेकंड, फिर लास्ट। ठीक है, अब इसको ऐसे खड़ा कर दिए। ठीक है, इसको टाइट किया। खैर, इसको यहाँ पे बस इतना हाइट काफ़ी है, फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं इसको यहाँ पे। तो दोस्तों, ये है ट्राइपॉड। हालांकि इससे पहले मैंने जो ट्राइपॉड ऑर्डर किया था वो पूरी तरह से डैमेज था, जो कि ये है। आप देख सकते हैं इसकी हालत कितनी बुरी है, इसके अंदर जो सामान है वो टूटा हुआ है। खैर, इसे हम यहाँ साइड में रख देते हैं। अगर आपके साथ ऐसा होगा तो उस केस में आप क्या करेंगे? अगर टूटा हुआ सामान आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई आपका जिंदाबाद है। आप परेशान ना हो, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देखें उस वीडियो को, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद। अगर आप हमारे टीएम फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे इस टेक्निकल मेहताब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप तक पहुंच सके। दोस्तों, कहते हैं ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और ये रूल हम सभी लोगों पर लागू होती है। दोस्तों, ये जो टूटा हुआ सामान है ये डिलीवर हो चुका है, इसके पैसे मुझे रिफंड हो चुके हैं मेरे बैंक अकाउंट में, तो उचित बात ये बनता है कि हमें इस प्रोडक्ट को वापस भेज देना चाहिए अमेज़न के पास, ताकि डिजिटेक कंपनी का प्रोडक्ट है उसको वापस मिल जाए। तो फिर मैंने अमेज़न में कॉल किया और बोला कि भाई आपका सामान टूटा हुआ है, आप इसे पिकअप के लिए बंदे भेज दो। तो मैंने कितनी दफ़ा कंप्लेन की, बट कोई सुनवाई नहीं है, मतलब आ ही नहीं रहा पिकअप करने के लिए, अब पड़ा रहेगा किसी कोने में। खैर, हम इसे अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अब इस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, रिंग लाइट पे, जो कि काफी ज्यादा प्रोफेशनल है। नाइफ की जरूरत नहीं है। चलिए, अब ये देखिए दोस्तों, यहां पे देखिए डिजिटेक का ब्रांडिंग दिया हुआ है और यहां पे लिखा हुआ है एलईडी रिंग लाइट, और इसका मॉडल है DRL18H, और ये भी चीज मेंशन किया हुआ है, देखिए ड्यूअल कलर टेम्परेचर, और यहां पे देखिए पावर आउटपुट है 55 वॉट।
और यहाँ टेम्परेचर का रेंज दिया हुआ है और इसमें इल्यूमिनेशन भी दिया गया है कि कितना है। और अगर हम इसके बैक साइड में देखें तो ये देखिए इसके फीचर्स हैं। आप चाहें तो इस लाइट को इलेक्ट्रिसिटी के साथ चला सकते हैं या फिर बैटरी के साथ। आप कौन सा बैटरी यूज़ करें तो यहाँ पे इसमें मेंशन किया हुआ है NPF 550 करके दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आइटम्स बता रहे हैं, द पैक इंक्लूड्स रिंग लाइट, बॉडी, एसी पावर केबल, है ना, ताकि बोर्ड में कनेक्ट कर पाए। और यहाँ पे स्मार्टफोन माउंट जिसको हम होल्डर भी कहते हैं, ठीक है, और हॉट शो माउंट, कैरी बैग, इसके साथ कैरी बैग भी है, प्लस पॉइंट ये भी बनता है। इंस्ट्रक्शंस यूज़र मैनुअल भी इसमें दिया हुआ है कि भाई इस आइटम्स को, इस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है। तो चलिए अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कैरी बैग देने का एक प्लस पॉइंट ये भी बनता है कि भाई आप इसको कहीं भी इजिली कैरी कर सकते हैं, कहीं भी आराम से ऐसे पकड़ो भाई ले जाओ, ठीक है। और देखते हैं इस लाइट के साथ साथ और क्या दिया हुआ है। ये देखिए, ये इसको होल्डर कहते हैं, इसको आप माउंट भी कह सकते हो, ये है होल्डर, ठीक है। और ये जो है इसको DSLR के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आप देख लो ये, इसको मैं बताऊंगा कि कनेक्ट कैसे करना है, ठीक है। बस, और ये है, इसको आप हाइट बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से, आप लेफ़्ट राइट वगैरह करके एडजस्ट कर सकते हो। तो खैर, यहाँ खुले जगह में तो फिर एक्सटेंशन बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो मैं आपको रूम में लेके चलता हूँ। तो चलिए अब हम इसे ओपन करते हैं। दोस्तों ये निकल के आ गया रिंग लाइट, ये देखिए, और इस बैग में है पावर केबल जिसे हम एक्सटेंशन बोर्ड के साथ कनेक्ट करेंगे। तो फिलहाल हम इस बैग को रख देते हैं यहां और इसको खोल लिए। देखिए ये जो कॉर्ड है इसमें जाएगा, लगा दिए, और यहाँ पे स्विच है ऑन ऑफ का, और एक जो है ये है डिम करने का लाइट और बढ़ाने का, अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। और दूसरा ये है कलर का है कि आपको कैसा कलर रखना है। और दोस्तों ये जो एरिया है यहाँ बैटरी लगाने का ऑप्शन दिया हुआ है, आप बैटरी लगा के भी इस लाइट को यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो है इसकी मदद से आप DSLR कैमरा को अटैच कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं, ठीक है। और ये है हॉर्सशू माउंट, इसकी मदद से आप थोड़ा सा लेफ्ट राइट करके एडजस्ट कर सकते हैं। और ये है मोबाइल होल्डर, ठीक है। तो इसको पहले हम इसमें अटैच करेंगे, हॉर्सशू माउंट को अटैच करेंगे, उसके बाद फिर मोबाइल होल्डर को, उसके बाद फिर हम मोबाइल को अटैच करेंगे। तो पहले हम इसको स्पीड में से नचा के टाइट कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हो गया टाइट। अब हम चाबी को कर देते हैं, चाबी से इसको हम टाइट कर देते हैं। देखिए ये हो गया फुल्ली टाइट। हो गया अटैच। अब इसमें हम स्मार्टफोन लगाएंगे, देखिए ये, ठीक है, इसको बड़ा करके यहाँ पे सेट कर देंगे। देखिए इसको हम इसमें अटैच कर देंगे। अगर फ्रंट कैमरा से करना है तो ऐसे सेट करेंगे, अगर बैक कैमरा से करना है तो उसको बस पलट देंगे इस कुछ इस तरीके से, और अपने अकॉर्डिंग इसको लेफ्ट राइट यहाँ चाबी की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो ट्राइपॉड है इसको यहाँ पे सेट करना है, ये देखिए इसको यहाँ पे, पहले सेट करने से पहले इसे पहले ओपन करना होगा, इस नॉब को ओपन करना, इसको नॉब कहते हैं, ठीक है, इसको पहले ओपन करना होता है, खोलना होता है। खोल लिए, फिर इसमें हम सेट करेंगे, हो गया, फिर इसको हम टाइट कर देते हैं, हो गया टाइट। अब ये देखिए जैसे जिस भी पोजीशन में रखना है रख के हम इस यहाँ से इसको टाइट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे टाइट करने का दिया हुआ है इसको, ठीक है, इसकी मदद से हम टाइट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको ऐसे सेट करने वाले हैं, ऐसे,
तो दोस्तों ये रहा रिंग लाइट, आप देख सकते हैं मेरी आंखों में राउंड राउंड रिंग जैसा बन गया होगा लाइट का ये चीज। और यहाँ जो है देखिए डिम कर सकते हैं इसको, ये देखिए ठीक है। और ये है कलर चेंजिंग का, देखिए कलर चेंज हो रहा है राइट। दोस्तों ये लाइट कुछ ज्यादा ही हो जा रही है, इसलिए हम थोड़ा सा बैक आके देखते हैं। अब देखिए आपको कैसा लग रहा है। अरे एक बात तो भूल ही गया दोस्तों, इस लाइट का जो प्राइस है मार्केट प्राइस है 5,995 रुपीज। अगर आप ऑनलाइन परचेस करेंगे तो वही 4,000 के आसपास में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस रिंग लाइट के बारे में कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, मुझे आपकी राय जानने का इंतजार रहेगा। तो मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।